आप सबका शुक्रगुजार हूं और सफाई कर्मचारी यूनियन रामबन डोडा किश्तवाड़ भदरवा ठाठरी और इनके प्रेसिडेंट साहिबान का और आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं कि इनने मुझे बुलाया और मुझे लगता है कि ये इनके जो मुद्दे हैं वो सही है और उन पर इंसाफ होना चाहिए। मैं बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये जो सरकार है इन इश्यूज को लेकर मुझे लगता है कि दूसरा एक रास्ता इख्तियार कर रही है। और हम रामबन की अगर डायरेक्ट बात करें क्योंकि रामबन से मैं वाबस्ता हूं और रामबन के लोग हमारे अपने भाई हैं, यहां पर आप देख लीजिए कि सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम लगती है कि सिर्फ 14 लोग हैं और उसमें भी मुझे लगता है परमानेंट सिर्फ कुछ ही लोग हैं, 4-5 लोग परमानेंट हैं और इतना बड़ा इलाका है और अभी भी रामबन का पूरा महतरा के ऊपर आप ले लीजिए वार्ड नंबर 4 तक मुझे लगता है इस एरिया को डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपैलिटी में ला रहे हैं, तो कम से कम 50-60 लोग यहाँ पर होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो इनके इश्यूज हैं मिनिमम वेजेस एक्ट अगर ये पूरे हिंदुस्तान में लागू है तो और यहाँ बहुत सी कमेटीज हैं वहां भी लागू हैं, तो मुझे लगता है कि जो सफाई कर्मचारी हैं इन पर भी इनकी यूनियन पर भी इन लोगों पर भी मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए। और ये तो मुल्क का कानून है पूरी दुनिया में इक्वल वर्क इक्वल पे, जितना आप काम करेंगे उतनी आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये कानून भी इन पर लागू होना चाहिए। मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे एक साथी बेचारे बटोत से इनको 24 साल से अभी भी ये परमानेंट नहीं हुए, ये तो मुझे लगता है कि ज्यादती है। क्योंकि अगर ये जो ऑफिसरान है और ये सरकार में बड़े लोग ये सफाई जो बोलते हैं शुद्ध भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान का अगर इनको बोलो जाके कभी जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं वो एक दिन तुम काम करके दो मुझे, मैं अपने इनको जेब से पैसा दूंगा ये जितनी तंगा बोलेंगे। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते बड़ी एसी गाड़ियों में और बड़े एसी ऑफिस में, ये बात गलत बात है, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट आप लागू करें, जो लोग हम ज्यादा आपसे नहीं बोलते, अगर आपने कहा 7 साल बहुत सी आपने यूनियन चाहे किश्तवाड़ हो सांबा हो जम्मू हो बहुत जगह आपने 7 साल जिसके पूरे हो गए थे उसको परमानेंट कर दिया है, तो रामबन के साथ सोताला व्यवहार क्यों हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे आपको। और भी दो चीजें हैं, दो पॉइंट हमारे और हैं, मुझे लगता है कि या तो ये पैसा इन ऑफिसरान की जेब में जा रहा है या सरकार इस पे दबा के बैठी है, मगर आप एक बात समझिए ये इनके साथ जुल्म है। अगर 31 का महीना है और ये पूरे 31 दिन काम करते हैं तो तनख्वाह सिर्फ 30 दिन की ही मिलती है इनको, ये इनके साथ ज्यादती है। हमारी मांग है कि पूरे 31 दिन की तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए, इसके साथ जो 2.5 दिन की भी तनख्वाह है जिसमें संडे और बाकी छुट्टियां आती है वहां, या जब काम करने की बात है आप फोन उठा के ला के इनको दाड़े बन के काम करते हैं, ये आपके नौकर नहीं है ये मुलाजिम है, ये काम वो करते हैं जो दूसरा नहीं करता, इनको तो तनख्वाह डबल और ट्रिपल होनी चाहिए थी। बल्कि ये आपसे एक्स्ट्रा चीज नहीं मांगते, अपनी हक की बात मांगते हैं। और मैं हिंदुस्तान का सदर भी रहा हूं स्टूडेंट कांग्रेस का, और मैं इनको अपनी पार्टी की तरफ से एक चीज पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जहां आपको जरूरत पड़ती है जहां आपको जरूरत पड़ेगी, यहां तक कि रामबन की सिविल सोसाइटी और हम आम लोग भी आपके साथ छाना बशाना खड़ा रहेंगे इस मुहिम में, और आप अपने आप को अकेला मत समझिए। और हमारी गुजारिश है, आज फिर हम गुजारिश करते हैं, चाहे इनको सीओ रामबन हो चाहे डीसी रामबन हो चाहे इनके डायरेक्टर हो या चाहे एलजी साहब हो, हम सबसे बड़े आराम से गुजारिश करते हैं कि जो ये हमारे भाई हैं जो ये मेहनत मशक्कत के काम कर रहे हैं इनको जो इनके ये डिमांड्स हैं वो पूरी की जाए, वरना इनके साथ आपको हम भी रोड पे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।